यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है और आप गेम खेल रहे हो। मम्मी को बुलाओ आपकी। अरे खाना खाते वक्त पे और टीनेजर से पंगा नहीं लेने का। मम्मी ये क्या है? जो डेली घर बैठे हैबिट बिगड़ गई है ना, उसका रूटीन है। मतलब सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 7:30 से 2:30 बजे तक स्कूल, 3:30 से 4:30 बायजूस क्लासेस, 5 से 6 बेबी सेटिंग, 6 से 7 बैडमिंटन क्लास, 7 से 8 रेस्ट, 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट, 9:30 बजे स्लीप यानी कि बेड टाइम। वो कहाँ गई? मम्मी वाटर खिसक ली। तो बेटा आप भी खिसक लो क्योंकि आपकी भी ऑनलाइन क्लास है। पिछली बार भी तो गले मिले थे। ये बस को क्या हुआ है? खराब है ये बस। ठीक हो गई। चलो मेरे साथ ही होता है वैसे। चलो यहाँ पे सीट बची है, मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ। अब बस इस बैक सीट पे ही जगह बची है। ओ ये भैया तो सीधा 10th बोर्ड के एग्जाम देने आए हैं। पूरे साल पढ़ा नहीं, अब 5 मिनट में कौन सा तीर मार लोगे? जब तुम्हारे ऊपर एग्जाम की बिजली पड़ेगी ना, तो तुम भी ऐसी नजर आओगे। हम पे नहीं गिरने वाली, हम तो बायजूस क्लासेस से पढ़ते हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर से, इसलिए नो टेंशन। बायजूस क्लासेस तो बहुत फेमस है, और फेमस है तो क्लास में बहुत भीड़ भी होती होगी और तो ज्यादा टेंशन भी नहीं मिलती होगी। किसको जरा बताते हैं। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स होते हैं, मींस पर्सनल अटेंशन, और क्लास एकदम असली जैसी लगती है, तभी तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। ऑनलाइन साइड आउट क्लियर हो जाते हैं? यप, अब तो डबल बोनस है। समझा नहीं। क्लास में दो दो टीचर पढ़ाते हैं और हमारे मास्टर टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर, और फिर भी डाउट आया तो हैंड्स रेस करो, दूसरे टीचर सारे डाउट सॉल्व कर देते हैं। और स्कूल की तरह हर रोज क्लासेस होती हैं? नहीं नहीं, क्लासेस का भी स्केड्यूल होता है, हफ्ते में बस 3 दिन। और मिस होगी तो संडे को अटेंड कर सकते हैं। आज ही एनरोल करता हूँ घर जाके। चलो स्कूल भी पहुँच गए हम। स्कूल तो तब पहुँचेंगे ना जब बस चलेगी। भैया चला लो, गर्मी लग रही है। फीस फालतू भी नहीं देते, इसी भी चला देना। चला दो भैया, अगले साल चलाओगे क्या? फिर से ना स्कूल बंद हो जाए अगले साल तक। काहे का खुश रहो मैडम, हम तो ये 20 रुपए उठा रहे थे जो नीचे पड़े थे। चलो ओ 7C क्लास वाले, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? हलवा बनाने। चलोगे? तुम लोग ठीक से बात नहीं किया जाता है। ऐसा है, स्कूल में चल रही है रिपेयरिंग, तुम लोग 7B में जाओ, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे।
और हाँ, फीस भरी? हाँ। ये तो स्टोर रूम लग रहा है, ये क्लास तो पढ़ाई लग रही है, लेकिन स्कूल तो अपना है ना। लेट्स डू द स्काई, चल चल। अब लग रही है ना ये हमारी क्लास। हट, तेज ना कर रही मैं। बैठो बच्चों, हिंदी के नए टीचर आ रहे हैं तो नौ शैतानी समझे। तौबा तौबा सर, ऐसी सस्ती मस्ती तो हम छोड़ चुके हैं, है ना? देखते हैं। अब सर का स्वागत करें। वो प्रिंसिपल ने बताया होगा आप लोगों को, तो मेरी कक्षा है ये। ये आपकी कक्षा नहीं है, ये मेरी कक्षा है, मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं नया टीचर हूँ ना, तो बताया मुझे ये क्या के ऊपर। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ये मेरी कक्षा है, बस ये मुझे पता है। आपको कहीं और होगा, पूरे स्कूल में ढूंढ लो कोई तो क्लास होगी आपकी। पर आपकी हाइट तो बहुत छोटी है। हाइट पे मत जाना सर, दिमाग होना चाहिए, है ना? वो मैं थोड़ी छोटी रह गई। अच्छा माफ करना, मेरे को नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। कुछ बच्चों, नहीं होता सर। सॉरी हाँ, आप कंटिन्यू हिंदी। तो अपना जल्दी से टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 लगा दो, यह चिड़िया जो, जल्दी से। मजा आ गया ना, अब सर ढूंढते रहेंगे कि 7th बी का है। एक काम करते हैं, ये पीरियड तो खत्म हो ही गया, साइंस लैब चलते हैं, कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर ही लेंगे। अरे बेटा, एक्सपेरिमेंट करना था, लस्सी नहीं बनाती। लाओ तुम लोग जाओ। याद है पिछले सबमिशन में हमने इनका कितने अच्छे से पोपर बनाया था। एक काम करते हैं, इनका फिर से पोपू बनाते हैं। एक मिनट। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो हम लोग पूरे एग्जाम्स चीटिंग करके पास होंगे, तो चीटिंग से हमें चिट्स और पर्रे बनाने होंगे, तो चलो वो बनाते हैं। बढ़िया चिट्स और कोल्ड ड्रिंक खाते पीते। और कहाँ जाना है? कैंटीन। तो चलो। अरे बड़ा अच्छा मौका मिला है, चल प्रिंसिपल के सामने इनका भांडा फोड़ते हैं। What is a bhanda? Are you from Uganda? Yes. Then you cannot understand what is bhanda. मेरे साथ ही क्यों होता है? और नाले लस्सी, चल। Hey, seven wing, he's one of. आपको पता है आपके होते हुए अनंते और उसके फ्रेंड फर्रे बना रहे हैं, चिट्स बना रहे हैं।
चीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीटिंग चीटिंग। सर आप महान हैं, आप स्कूल की जान हैं। आप ईमान हैं। आप बेईमान हैं। आई मीन आप स्कूल के प्राण हैं। और सर वो चिप्स बर्गर पिज्जा इतने सारे जंक फूड खा रहे हैं जो स्कूल में अलाउ है ही नहीं, दूसरा स्कूल है पे थूकेगा। क्या बात कर रहे हो, कहाँ ये लोग? कैंटीन में। क्यों? सर ये देखिए। सर आप ये तो दूध बादाम खा के पढ़ रहे हैं, तुम तो कह रहे थे चिट बना रहे हैं। नहीं सर, कसम से ये चिट बना रहे थे, इन्हें बोला ना था। सर चिट पढ़ रहे, ये क्या होता सर, इनका तो कभी नाम ही नहीं सुना। तुम पढ़ो बेटा पढ़ो, बेचारे बच्चों को परेशान करते तुम, आइंदा से ऐसी गलती हुई तो रस्टिकेट कर दूंगा तुमको। बेटा अब ये रुकिए, बैठा दूं बेटा। नहीं नहीं सर, बहस का। तो मैं चाहता हूँ नंदी अपनी स्कूल फैमिली के लिए कुछ एग्जाम टेक्स शेयर करे। थैंक यू सर इस रिस्पेक्ट के लिए। और सबसे पहले कौन पूछेगा? पहले मैं। हाँ पता ही था, बोलो खचेड़ी। मुझे समझ ही नहीं आता कब और कैसे पढूं। बस इसके लिए है क्या शॉर्ट स्टडी सेशन, पहले कोई सब्जेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करो और 30-45 मिनट्स का टाइमर लगाओ और बिना डिस्टर्ब हुए पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो और टाइम खत्म होते ही कुछ रिफ्रेश ब्रेक ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वर्ड याद करने के लिए? बेटे पहले बैग उतार ले, छुट्टी अभी हुई नहीं है। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? और वर्ड याद करने के लिए? Then speak loudly. आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन अपने आप से जोर से बोलें। शब्दों को तेज बोलने से आपको वर्ड्स पे ध्यान देने, संदेश को ठीक से अवशोषित करने में मदद मिल सकती है। अगर अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए बायजूस क्लास जरूर ज्वाइन करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जल्दी जल्दी जाओ और चेकआउट करो। और हाँ अनाया, मुझे पता चला कि तेरे भी स्कूल खुल गए।